नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में एक बार फिर से खतरा बढ़ गया है, खतरा बिहार के डूबने का। कारण बन रहा है नेपाल में हो रही बारिश, और इस बारिश की वजह से आपने देखा है कि हर साल किस प्रकार बिहार में तबाही होती है। बिहार में नदियां उफान पर आती हैं और बिहार के कई जिलों में कई गाँवों के लोग जो हैं वो विस्थापित होने को मजबूर हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वजह होती है नेपाल की बारिश। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर है बिहार के गोपालगंज जिले की। नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से गंडक नदी अपने पूरे उफान पर है, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। गोपालगंज के निचले इलाके में गंडक के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिला प्रशासन ने भी तटबंधों के अंदर बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर वापस जाने की अपील की है। दरअसल वाल्मीकि नगर बराज से मंगलवार को दोपहर 1 बजे 2,97,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। करीब 3 लाख पानी का डिस्चार्ज कल दोपहर तक गोपालगंज पहुंचने की उम्मीद है, जिससे गोपालगंज और उसके आसपास के इलाकों में गंडक के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और ये अनुमान जताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर से घर डूब सकते हैं, गांव डूब सकते हैं, लोगों को विस्थापित होना पड़ सकता है, जिसके लिए प्रशासन ने पहले ही कह दिया है कि माल मवेशी लेकर जितना जल्दी हो सके आप सुरक्षित स्थानों पर पहुँच जाइए। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप वहाँ के स्थानीय लोगों की बात सुन लीजिए। अभी कोई परेशानी नहीं है, और हमारे यहाँ पर है कम से कम 15-16 मीटर का पुरान है बोल्डर का, पानी आता है लेकिन कुछ कटाव वटाव नहीं होता है और सेम निकल जाता है। और ऊपर तक स्लोप भी है 12-13 मीटर का है। तो अभी जैसा कम पानी आया है, लेकिन कल जो पानी आएगा 3,10,000 आएगा, तो उससे क्या कुछ प्रभावित होगा? कोई प्रभावित नहीं होगा, इसलिए कि इससे पहले 5 लाख पानी आ चुका है, ऐसे कुछ नहीं हुआ, इसलिए अभी भी कुछ नहीं होगा। यानी इसी बांध ने 5 लाख क्यूसेक पानी को रोक लिया, 5 लाख पानी रोक लिया है। तो सुना आपने, लोग खतरे के अंदेशा को लेकर के काफी भयभीत हैं। इस बात का अनुमान लगा रहे हैं कि अगर गंडक का जलस्तर और भी बढ़ जाता है, और भी परेशानी खड़ी हो जाती है, तो आगे क्या करेंगे। हालांकि प्रशासन ने तैयारी का दावा जरूर किया है, यह भी कह दिया है कि आप जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए, और इसी बात को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं भय देखने को मिल रहा है। बिहार में वैसे भी बारिश की वजह से तमाम नदियां एक बार फिर से उफान पर आ गई हैं। पिछले दिनों आपने सूखे की हालत देखी, और उसके बाद जब बारिश की का दौर शुरू हुआ, पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं बिहार के तमाम जिलों में बारिश हो रही है। एक तो बिहार में बारिश की वजह से खुद ही हालात बदतर होते जा रहे हैं। व्यवस्थाएं क्या होती हैं, यह आप हर साल की भांति इस साल भी देख रहे होंगे, लेकिन ऊपर से नेपाल में हो रही बारिश के कारण भी बिहार के गोपालगंज जिले में खतरा बढ़ा है। इसके साथ ही कई अन्य जिले भी खतरे के अंदेशा को लेकर के परेशान चल रहे हैं, लोग अभी से दहशत में चल रहे हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।